Hi guys, welcome back to my channel Repeat My 365 and you are in my Tuesday vlog. अगर आप न्यू हो मेरे व्लॉग में तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हर ट्यूसडे को व्लॉग डालती हूँ और फूड से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। आज हम आए हैं सत्यनिकेतन, यहाँ पे हम एक कैफे वर्सेस स्ट्रीट मोमो का हम व्लॉग बनाने वाले हैं जो कि है ये, और स्ट्रीट का आ जाएगा ये। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं कैफे वाले मोमो ट्राई करने के लिए विद माय फ्रेंड तान्या। है तान्या ये? ओ कितना बुरा बनाया तूने ये वाला, ऐसे थोड़ा है। हाँ ये अभी हम जा रहे हैं फटाफट से वहाँ पे ट्राई करके आपको बताएंगे। मैं रेटिंग दूंगी सिर्फ मोमोज के टेस्ट को, मैं ज़्यादा मतलब कैफ़े है या कोई स्ट्रीट मोमो की जो शॉप है उसको मैं रेटिंग नहीं देने वाली हूँ। मैं सिर्फ मोमोज के बेस पर रेट दूंगी कि वहाँ का टेस्ट कैसा है और कैफ़े ज़्यादा अच्छे सर्व करते हैं। स्ट्रीट ट्रैक कर रही है मुझे बहुत ज़्यादा ये, बट आप मत होना, मैंने जो बोला वो सुनो। ठीक है, मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो कितनी फ़ोटो खींच रही है, कितनी आवाज़ आ रही है, हर देखा सुन से। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं सीधे कैफे में। बाय बाय, मैंने बाय क्यों बोला, मुझे भी। अभी हम फोटो खींचेंगे उसके बाद जाएंगे। अरे बेला, हम क्या पागल। सो गाइस, हमने अभी फोटो वगैरह की क्लिक कराई है कैफे जाने से पहले, मतलब कुछ काम नहीं करा है अभी, एक घंटा हो गया हमको यहाँ पे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर, तो मुझे अच्छा लगा यार, मतलब एक एक कोना बहुत अच्छा है इधर का, है ना तान्या? मतलब आप भी आके शूट करा सकते हैं, यहाँ के ट्रीज बड़े ज़्यादा ही बढ़िया हैं। सो अभी हम जा रहे हैं, फिर बताते हैं। सॉरी फॉर द डिले। आई थिंक नहीं होगा क्योंकि मैंने गूगल पे देखा था ना, सेकंड फ्लोर पे ना, यही है आई थिंक, यही है। अभी हमने शेक मंगवाया है, अभी मोमोज आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सही में, मतलब दिल से कह रही हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि भाई, सही में मान लिया भाई। शेक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी मोमो आए नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं।
सॉसेस भी बहुत अच्छी हैं, मैं तो ऐसे ही खा लूँ स्पून के साथ। सो गाइज, इस कैफ़े का हो गया है, इसकी रेटिंग है यहाँ पर, एंड अभी हम जा रहे हैं स्ट्रीट मोमो ट्राई करने के लिए। लेट्स डू इट। बहुत भारी है ये, छोड़ ना छोड़। तो गरीब रे, इतनी गरीब है। देख यार, इतनी नीचे देगी ना तभी तो हमारा वो आएगा ब्लू ब्लू। मोमोज मोमोज बहुत अच्छे थे। आगे होगा बहुत आगे, और अच्छा होगा तो यार भीड़ होगी वहाँ पर। मोमो तो कुछ ज़्यादा ही है अंदर, फैन यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। बेचारा क्या होगा, मेरे यहाँ आ रहे थे यही निकलते हैं। और क्या, तू तो वेज ही खाती है ना। अच्छा सोयाबीन वाले हैं ना, 40 की एक आता ना तेरे को, एक करना भैया। वेज है ना, हाँ सोया सोया चल ले। चलो एक्सक्यूज मी, वो अंदर सिटिंग है। एक्सक्यूज मी, पंखा वंखा नहीं है, आगे चल यार, आगे चल यार, बहुत बहुत आगे चल यार। अरे गर्मी है, बाय मोमो, थैंक यू, इतना प्यारा था। सो गाइस, हम आ गए हैं हैंड्स मॉम हैंड्स मोमोज के यहाँ, हैंड्स मॉम हैंड्स मोमोज, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए हैं, हमने यहाँ पे सोयाबीन लिया है, मोमोज सोयाबीन मोमोज लिए। मैंने बहुत पहले खाए थे, अब जो अब ट्राई करूँगी मैं, और ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं खा के आपको बताती हूँ कैसे। गाइस, मैंने अभी तक एक भी ट्राई नहीं करा, इसने दो खा लिया। तेरे बस की नहीं है, स्पाइसी काफ़ी है। पर गाइस, जो कैफे के मोमोज होते हैं ना, उनका ये जो रहता है ना, आप जैसे तो मैदा वाला जो ये होता है, ये थोड़ा थिक रहता है, तो वो खाने में कुछ अलग ही वो आता है मुझे। बट इनका जो है अभी अंदर की स्टफिंग कैसी है वो मैं आपको बताती हूँ। तू बताना कैसी है। मस्त है, मस्त है, उसकी वजह से मस्त है। हम खाते हैं थोड़ा सा, बट गाइस जो सोयाबीन है उसमें से सोयाबीन है कुछ, मतलब कुछ और नहीं है, इसमें सिर्फ सोयाबीन है। और जो हमने कैफे में खाए थे सोयाबीन नहीं थे, वेज थे, बट स्टिल कुछ अलग अलग था। अब इसमें सिर्फ सोयाबीन है और मैदा है। गाइस वो सस्ता महंगा भी था, ये सस्ता भी है। हाँ यार, ये तो चीज़ है। अब ऐसे कंपेयर करेंगे तो देखो 40 के हिसाब से ये अच्छा है, 170 के हिसाब से। अरे यार 170 के हिसाब से वो अच्छा है। और वहाँ पे पीसेस भी ज़्यादा थे, मोमोज भी ज़्यादा थे, हम दोनों ने चार चार खाए। और यहाँ पर और भी, यहाँ पे भी क्वांटिटी उतनी है बट प्राइस कम है, और फीलिंग जो है इसकी थोड़ी सी, तो आई थिंक भूखी है, कुछ भी अच्छा लग रहा है। मेरी जो रेटिंग जाएगी स्वीट मोमो ऑनेस्ट रिव्यू।
सॉस के साथ, अगर तू सॉस के साथ नहीं खाएगी तो तुझे बहुत तीखे लगेगी, बता दें टाइट भी है। हाँ थोड़े से गाइस मैदा थोड़ा सा ज़्यादा यार, जैसे तान्या बता रही है कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, रुक जा पीले पहले, हाथ पोछ रही है मेरे पे। तान्या मुझे बता रही है यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश है ना, हाथ पोछ मेरे पे। अरे मैं भी देख सकती हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, ये भी देख सकती है। तो आई थिंक कुछ तो अच्छा ही होगा इनके मोमोज में, बट मुझे मैदा ज़्यादा लगा यार, नहीं तो सोयाबीन वाले मोमोज तो एवर ग्रीन है मेरे लिए। अभी 3 बजे देखो, आप समझ सकते हो जैसे हमने कैफे वाले मोमोज हमने कितने ज़बरदस्त इतनी जल्दी खाए थे, तुमने खाए भूख कुछ तो मांग ले क्या। गाइस तान्या व्लॉग बनाने आई थी, बट इसका व्लॉग कुछ इतना अच्छा बन गया है ना कि आपके पास तक पहुंचेगा ही नहीं। मेरी टिकटॉक बनवा, कहाँ बनाना बता। सो गाइस आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। देखो यार प्राइस का अलग काइंड ऑफ स्ट्रीट था, बट सिटिंग थी इनके पास, है ना बहन। हाँ हिस्ट्री बताएंगे तो कई साल पहले यहाँ पर हुआ करता था एक ठेला, बस एक ठेला, ठेले को डेवलप करते हुए इन लोगों ने ले लिया थी कुर्सियाँ, एक जमीन, और फिर ये आपको आए। स्वागत है। सो यार गाइस हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घर, और तान्या भी मर रही है ऑटो से ही। हम जाएंगे मेट्रो से, कम पैसों में एसी में जाएंगे। चलो गाइस आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, बाय बाय। आज हम आए हैं साकेत, हम यहाँ पे साकेत आए हम, इसको देखो साकेत आए हम। Hi guys, what's up? Offline है। Hey guys, welcome.